सबको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आए और माँ भगवती के दर्शन करें। 150 से 200 ग्राम के डिस्ट्रिक्ट के मल्ला धनपुर क्षेत्र सरयू घाटी। अच्छा, सरयू घाटी गाँव पड़ता है मेरा मिखिला खलपट्टा। अच्छा, हाँ जी। उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे केवल पत्थर और लकड़ी से पूरा बना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में सीधे बदियाकोट धाम से। तो हम लोग अभी बदियाकोट धाम में हैं और यहाँ पे 3-4 दिन से यहाँ के वीडियोस ग्राफी कर रहे हैं। तो इसी बीच हमको मिले हैं यहाँ पे पीएस क्रैक भैया, जिनका यूट्यूब चैनल है पीएस क्रैक ब्लॉग्स के नाम से। तो ये स्पेशली माँ भगवती के दर्शन करने तथा माँ भगवती मंदिर का ब्लॉग्स बनाने के लिए स्पेशली यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं इनसे ही मिलाता हूँ। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। आप सभी कैसे हैं? आप सभी लोग, सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी। हाँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब पहाड़ी वाइब्स के साथ आप जिस आप नैनीताल में रहते हो और यहाँ पे मतलब एकदम मतलब माहौल है, तो कैसा लग रहा है? वेदर तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया है एकदम से। मतलब धूप, जब यहाँ पर बारिश हो रही है ना तब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अदरवाइज धूप में तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर पब्लिक इतनी ज़्यादा है। लोकेशन इतना ज़बरदस्त है, नैनीताल और यहाँ का सेम मिलता जुलता ही है। अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में समा गए हों यहाँ पर भी, खतरनाक। लेकिन मंदिर पर आके ना एक अलग ही दिल को छू जाने वाला यहाँ पर फील हो रहा है कि हम एकदम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए। और बद्रीनाथ केदारनाथ की याद आ गई आज मुझे यहाँ आके। तो पीएस क्रैक भैया मुझे कल रात ही मिल गए थे यहाँ पे, और कल रात हम 2-3 लोग मिले थे। अर्जुन कलपटिया सर भी मिले थे यहाँ पे हमारे साथ। मतलब हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, मतलब शेयर की। ये चीज़ें होती हैं यूट्यूबर्स, यूट्यूबर से मिलता है थोड़ा सा बात हो जाती है, तो अच्छा भी लगता है। आप घर कब जा रहे हो? मैं अभी शाम को निकलूँगा। शाम को भंडारा खा करके जाएंगे, स्पेशली भंडारा खा के। वही इतनी बड़ी बड़ी पूरियां देख के जो मजा आ रहा है। और यहाँ और आपने ब्लॉग्स में भी दिया होगा। हाँ, मैंने ले रखा है। आप अपनी कढ़ाई दिखाना, मैं आपको अभी नीचे ले जाता हूँ। वहाँ पे जो कढ़ाई है ना, वो कढ़ाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लाइफ में पहली बार देखोगे। हाँ, बड़ी कढ़ाई है। मैंने पहली बार देखी है। मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ लेकिन ब्लॉग मैंने अभी शुरू करा है, पहले नहीं करता था। तो भैया अगर आप देखना चाहो तो पीएस क्रैक यूट्यूब से, पीएस क्रैक ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल इनका मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप सर्च कीजिए, इनके भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं। बाकी भैया टैग पे लगा देंगे। हाँ, वो मैं एट द रेट इनको खरीदूंगा वहाँ से। तो चले फिर कुछ करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पे अंदर भंडार कक्ष से ककड़ी मिली है। क्यों ये देख लो, ये देख लो, पूरी ककड़ी मिली है। हम पूरी ककड़ी का मज़ा ले रहे हैं आदिमंत्री धाम बदियाकोट में। ककड़ी का मज़ा ले रहे हैं हम लोग खुद ही खुद में। तो आप देख सकते हो स्वाद मजा आ रहा है ककड़ी में। तो स्वाद है पहाड़ी ककड़ी में स्पेशल, और खासकर ऐसी जगहों पर। शहर की ककड़ी की तरह नहीं होते एक एक हाथ के भाई, यहाँ तो अल्टीमेट ही होता है सारी चीज़ें। कैसी लग रही है ककड़ी? मैं भी ताऊ सही हो रहा ना मौज। देखो यहाँ नीचे प्लेन्स में इन ककड़ी की वैल्यू कुछ नहीं है, मगर हमारे गढ़वाल के अंदर इतनी अच्छी ककड़ियाँ महत्व, देवी को चढ़ाते हैं, भगवती को चढ़ाते हैं, हमारी सब परंपरा अच्छी है। हम लोग माँ के आशीर्वाद से यहाँ पे जीवित हैं। लुक गाइस, व्हाट इतना ज़्यादा पानी है देखो इसमें। हाँ हाँ, इनसे मुलाकात हुई है यहाँ पर मंदिर में। तो आप यहाँ के कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम पुष्कर सिंह कराया था और मैं नैनीताल से आया हुआ हूँ। और मैं मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ ब्लॉगिंग करने भी आया हूँ कि अब मैं नैनीताल में सबको मतलब यहाँ के कल्चर के बारे में और जो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में दिखाना चाहता हूँ। तो आपका कल्चर के बारे में क्या कहना है? मेरा नाम डॉक्टर दर्शन दानू है। मैं ब्लॉग प्रमुख हूँ देवाल चमोली से, और अपने संगठन का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आपसे बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। और हमारा जो ये गढ़वाल और कुमाऊँ का ये जो क्षेत्र है, ये दानपुर कहा जाता है इसको, और दानपुर अपने आप में इसका बड़ा महत्व है, इसका इतिहास है। और जिस जगहों पर हम खड़े हैं माँ भगवती का मंदिर है,
और माँ भगवती के मंदिर यहाँ अपनी एक इसकी आस्था है, लोगों की अपनी आस्था यहाँ पर है, और यहाँ पर कहा जाता है कि लोग जो सच्चे मन से आता है और सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगता है वो हमेशा पूरी होती है। और हमारे गढ़वाल का दानपुर का क्षेत्र ले लीजिए और यहाँ का दानपुर का क्षेत्र ले लीजिए, हमारा कल्चर हो गया, हमारी बोली भाषा, ये क्षेत्र और हमारा क्षेत्र तो रोटी और बेटी का नाता है, और इसलिए आज देखेंगे कि तो यहाँ का कुमाऊं से ज़्यादा गढ़वाल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये तो और आप देख रहे होंगे कल रात से, और यहाँ एक आस्था है इस मंदिर में, और मैं तो यही कामना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से माँ भगवती सबके जीवन में एक खुशहाली लेके आए, सबको कामयाब बनाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ये क्वेश्चन तो इसी बीच प्रमुख जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करना चाहता हूँ। हम लोग जब परसों आए, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता इस बार ऊपर रोड टूटे हुए थे, तो हम लोग आए बागेश्वर के रास्ते, तो जैसे हम लोग फ्यूचर में, इन फ्यूचर हम नए युवा जो यहाँ हम बीच के रास्ते से सीधे आना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या सरकार से अभी अभी आपने देखा होगा कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना था तो हमारे देवाल में खेतौली में सड़क रुकी थी, और जब मैं प्रमुख बना तो आपने देखा कि बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारी उपथर जो हमारा क्षेत्र, वहाँ सड़क पहुँचने वाली है, और हमारे कुंवरगढ़ तक, और हमारा प्रयास है कि इसको हम यहाँ तक जोड़ने का काम करेंगे, और ये बहुत जल्दी उस पर काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। संचार के क्षेत्र में अगर आप लें तो हमारे यहाँ भी मानमती में हमने टावर स्वीकृत कराया है, और आप लोग आप जिस गाँव से आते हैं और वहाँ हमने अभी अपने विकासखंड में कम से कम 7 या 8 टावर हमने लगाए भी हैं जिनको जिनका संचालन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारा ये पूरा क्षेत्र है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बस इसे केवल संवारने की ज़रूरत है। आज यहाँ पिंडारी अगर हम देखें तो यहाँ लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके इस बार सहयोग से ये पिंडारी ट्रैक ऑफ द ईयर हुआ है। मैं पर्यटन मंत्री महाराज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमने भी कोशिश की है जो हमारा घेस से लेकर बगजी का बुग्याला और ट्रैक ऑफ द ईयर इस बार हमारा घोषित हुआ है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्दी होना है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से भी जोड़ें, और पर्यटन तब मजबूत हो सकता है जब हमारे पास सुविधाएँ होंगी, सड़क होगा, संचार होगा। तो इस ओर मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत जल्दी हम सड़क के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में हो, एक सिक्के के दो पहलू के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं काम करेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी। तो आज आज जो मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं, जो मैं अपने ब्लॉग्स अपलोड कर पा रहा हूँ, माननीय प्रमुख जी की एक बड़ी देन है मेरे गांव में, कारण आज मैं अपने क्षेत्र से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ब्लॉग से आप जैसे लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो प्रमुख जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है क्षेत्र में। हाँ, ये गढ़वाल और कुमाऊं में मिलेगी, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र का मार्केट कुमाऊं के गढ़वाल होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा पूरा क्षेत्र नज़दीक पड़ता है। और मैं तो आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ और माँ भगवती के दर्शन करें, और दूर दराज, कल रात मैं यहाँ पर देख रहा था राजस्थान से यहाँ लोग आए हैं, यहाँ दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ इसकी महत्ता है, अपनी आस्था है, और इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा, अपने देश के लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, आप आएँ और माँ भगवती के इस पवित्र स्थान पर आएँ और अपनी कामना के साथ आएँ, जो माँ भगवती आपकी कामना को पूर्ण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत ऐजा रे ऐजा म्यारा दानपुर, छबिलो मायालो रंगीला म्यारा दानपुर, घ्वागा का काला नरिंगा क्याला दानपुर, काफल किल मोड़ा हिसा लुख है जाले दानपुर। तो देख सकते हो दोस्तों, एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे रखा है, और इस वाले पत्थर में ये लोग यहाँ पे आटे को बनाते हैं, पहले साते हैं इसमें तो बढ़िया तरीके से, और फिर ये लोग यहाँ पे पकाते हैं। इसकी वीडियो बाद में दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ के इन काम करने वाले स्थानीय लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये बारियाँ किस प्रकार से यहाँ पे बारियाँ लगी रहती हैं, कि मतलब ऐसी अपने मन से श्रद्धा भाव से करते हैं लोग। श्रद्धा भाव देव सेवा, श्रद्धा भाव देव सेवा तो यही हुई। देखिए हमारे ग्राम सभा बुद्धियापुर में ऐसा सिस्टम है कि हमारे ग्राम सभा में 5 तोप हैं। अच्छा, तो मतलब हाँ, समझते हैं लोग। खोला, उसमें खोला ही हुआ वो, तो उसमें बारियाँ होती हैं, एक कोई आटा गूंथता है, कोई पूरी पाता है, कुछ और कोई सब्जी वाला,
अच्छा फिक्स बारियां लगी रहती हैं, बारियां होती हैं वो पहले दिन ही अपनी ड्यूटी में पहले से ही थे, कई साल तय होता है हमारी मंदिर कमेटी के जो नियम होते हैं उसी के अनुसार से हम। अच्छा यहाँ पे पहले ही नियम बना दिए जाते हैं जब कार्यक्रम स्टार्ट होता है, नहीं तो इतने बड़े कार्यक्रम को निभाना बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लोग। जैसे जैसे ये काम बांट गए तो कई सालों से बांट, इसमें वो भी होता है कि आप उसको फिर यहाँ पे बांट दी तो आप कोई हमारे बाहर से आगे बढ़ते लोग फिर उसके पूरी सर्दी बांटने वाले के लिए भी वो अलग से वो बनुरा मान के। अच्छा वो भी अलग रखे रखे रहते हैं, अलग अलग डिपार्ट होता है दामी लोगों के लिए अलग होते हैं सेवा करने के लिए। दामी है जो दामी अपने रात दिन एक बार नहाएगा दो एक बार दो बार नहाएगा एक बार खाएगा तो उनके लिए जो खाना बनाता है उनका भी वही नियम, वो भी उनका भी वही सिस्टम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्रद्धा भाव से। तो देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से हम लोग ये लोग आटा बनाते हैं और यहाँ पे पूरा बनाते हैं और यहाँ से ये लोग इसका एक गोला बना देते हैं और फिर ये लोग यहाँ पे देते हैं पूरियां पाटने वालों को और यहाँ पे कुछ लोग पूरियां पाट रहे हैं आप देख सकते हो कैमरे के माध्यम से, मैं तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धानुली कंग टूटले अभी टूटले धानुली खुर कुटरा रोजा नैनुवा पैस लगला अभी लगला नैनुवा फोन करिए रोजा। और हमारे वहाँ ऐसे रोड बनते हैं जो यहाँ पूरियाँ बन रही हैं, हम कहते रोड चढ़ाते हैं तो और गाँव घर में चलते तो पूरे बनाए जाते हैं और यहाँ से रोड की तरह बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी मोटियाँ पूरी बनाते हैं यहाँ पे लोग, तो इसका कारण क्या है यहाँ पे मोटी पूरियाँ क्यों बनाते हैं लोग? इसका कारण है श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं बहुत ज्यादा संख्या में तो इसलिए मोटी पूरी बनानी पड़ती है हम लोग को और बड़ी कढ़ाई भी है, बड़ी कढ़ाई है बहुत तो इसलिए 4-5 टेंट आ सकते हैं इसमें। अच्छा मैं आज मैंने ये पता भी कर लिया भाई यहाँ पे मोटी पूरियाँ क्यों बनाते हैं, क्योंकि मोटी पूरियाँ बनाने का कारण यह है कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ जाते हैं और जिसके कारण भीड़ बढ़ जाती है और भीड़ में उनको बड़ी कढ़ाई रखनी पड़ती है ताकि बहुत सारी पूरियाँ एक साथ बनानी पड़े और बड़ी कढ़ाई में आग ज़्यादा होती है और प्रेशर ज़्यादा बन जाता है जिसके कारण इन लोगों को मोटी पूरियाँ बनानी पड़ती हैं ताकि ये थोड़ा सा देर तक सिके रहे उसके अंदर और मोटी पूरियाँ बने ताकि, और इतनी स्वादिष्ट पूरियाँ होती हैं यहाँ की मैं अगर अपने कैमरे में भी भैया नहीं Thank you.